अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जो कभी कभी मुझे बहुत अच्छे, आपको पता है, फॉरवर्ड मैसेजेस आते थे, तो मुझे लगा कि ये फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं और मैं पढ़ के देखूँ उनको कभी। तो मैंने उन फॉरवर्ड मैसेजेस को पढ़ना शुरू किया, तो वो इतनी प्यारी प्यारी दुआएं और इतनी खूबसूरत चीज़ें, इस तरह मेरे दो तीन दोस्त हैं जो मुझे भेजते हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं, और वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी दुआएं, अच्छी अच्छी बातें मुझे लिख के भेजते हैं। तो मैंने उसको इंस्टा पर शेयर करना शुरू किया, और मुझे आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दोनों जगह से मुझे इतनी अच्छी इसकी फ़ीडबैक मिली, इतना अच्छा फीडबैक इसका मुझे मिला कि मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी, इससे तो मुझे भी दवाएँ मिल रही हैं, तो क्यों ना अच्छी बातों को स्प्रेड किया जाए। तो जब मैंने अपना चैनल बनाया ये डिफरेंट शेड्स ऑफ अकार, सो मैंने उसमें ये सोचा कि जहाँ मैं आपको मेकअप के बारे में, हेयर के बारे में, स्किन के बारे में बताऊँगा, वहाँ मैं साथ साथ आपके साथ छोटी छोटी सी बातें भी शेयर करूँगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे सैलून के अंदर बहुत सारे ऐसे ख़वातीन आती हैं जिनको जनरली कुछ ऐसे मसले होते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में होती हैं, या मेरे कुछ ऐसे दोस्त फ्रेंड जो कि डिप्रेशन में होते हैं, कुछ ऐसी बातों को लेकर जिनकी कोई वजह नहीं होती। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हम भी इस डिप्रेशन से गुजरे हुए होते हैं, तभी हम इस बात को समझ सकते हैं। और मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लम्हे आए जहाँ पर मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ और मुझे शदीद डिप्रेशन हुआ मेरी बीमारी को लेके और मेरी सेहत को लेके और हालात को लेके। और दूसरा, मैं जो प्रोफेशन जिस पे हूँ उसमें भी मुझे बहुत इजी तरीके से मैं इस प्रोफेशन में नहीं आया, मुझे लाजमी इसमें बहुत सारे हार्डल्स फेस करने पड़े। तो लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर देती हैं, खूबसूरत कर देती हैं। और ज़िंदगी देखिए बहुत छोटी है, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। और अब जब से कोविड आया है, जब तो ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, किसी का नहीं पता। ये नहीं कि कोई 60 साल तक या 70 साल तक ज़िंदा रहेगा, कुछ नहीं पता, इंसान कभी भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बातें बताना और फैलाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ें आप स्प्रेड करें। और मैं जब बाहर पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग इतने बाइखलाक हैं और इतने अच्छे से लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस चीज़ की कमी मुझे नज़र आई है। तो क्यों ना ऐसा हो, मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद मैंने ही इनिशिएटिव लिया है कि मैं आपको मैं कुछ आपसे बात करूँ और वो बात 10 जगह और स्प्रेड हो और कितने लोग मेरे इस चैनल को देखेंगे, तो मेरे ज़रिए ये बात पहुँचे, तो शायद मुझे कहीं ना कहीं सवाब मिलेगा। तो मेरी सवाब की नीयत भी है और मुझे दिल से भी दिल था कि मैं आपको इस तरह की बात कहूँ। तो अब हम इसमें छोटी छोटी सी बातें किया करेंगे और मैं आपको इसकी छोटी छोटी सी वीडियोस बनाऊंगा। आज ही मैंने इसकी आपको तमीदी वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि ये बात मेरे पास कहाँ से आई है। तो आज की अच्छी बात यह है कि दो चीज़ें हमारे पास ज़िंदगी में, हमारे पास अपनी ऐसी होती हैं जिसको देने से ना हमारा कोई पैसा खर्च होता है, ना ही हमारा कोई वक्त खर्च होता है, ना ही हमारी कोई एनर्जी खर्च होती है। जी, तो आज की अच्छी बात क्या है? आज की अच्छी बात इतना शुरू करते हैं कि एक दो चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिसको हम अगर खर्च करें और लोगों को दें तो ना ही उससे पैसा खर्च होता है, ना ही उससे वक्त खर्च होता है, बल्कि आपको उससे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नंबर वन, आपका अखलाक। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शुरू से, मुझे ये चीज़ मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने ये चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई हैं कि बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी बात से हम चढ़ जाते हैं, किसी बात पे हम बहुत नाराज़ हो जाते हैं, तो इन दी एंड हम अपनी एनर्जी को ख़त्म कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इखलाक, आपका अपना आपका अच्छा इखलाक, आपका खूबसूरत इखलाक, जिससे लोग मुतासर होते हैं। बहुत आसानी से ये चीज़ें आप लोगों तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को सलाम करके, उनकी खैरियत पूछ के। और कोई भी इंसान हो, इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर उसको आप थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, थोड़ा सा प्यार देते हैं, थोड़ा सा उसका ख्याल करते हैं, उसके बारे में पूछ लेते हैं, उसके लिए एक गुड लिसनर होते हैं जो उसकी बात को समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती और इससे आपका कुछ खर्च भी नहीं होता। और दूसरी चीज़ होती है दुआ। मुझे लगता है कि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आपके अर्श को भी हिला देती है। और ऐसा नहीं होता कि दुआएं रायगा चली जाती हैं, अगर आप किसी को, इंसान को दिल से दुआ दें तो वो आपके बहुत सारे हालात, आपकी बहुत सारी चीज़ों को बदलती है। और अगर
अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि वो फैसलों को ना ही भी बदल पाए लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं ऐसी जगह कर देती है जहाँ पर आपको सुकून मिल जाता है। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई जिसको खर्च करने से कुछ नहीं होता। एक अच्छा इखलाक, आप जब भी लोगों से मिलें अच्छे से मिलें, प्यार से मिलें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अच्छे से मिलें, उससे प्यार से मिलें, उससे अक्सर मैंने देखा है जो लोग अभी हाथ मिलाते हैं, वैसे भी कोरोना की वजह से अब लोग ज़रा हाथ कम मिला रहे हैं या गले कम मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जब लोग बहुत फॉर्मली हमारे यहाँ हाथ मिलाते हैं और बहुत फॉर्मली गले मिलते हैं, मुझे लगता है जब आप किसी से गले मिलें किसी से हाथ मिलाएं तो आपकी उस गर्मजोशी से उसको लगना चाहिए कि हाँ आप उसके लिए एक वैल्यू रखते हैं। ऐसे नहीं कि आपने बस उसको टच किया और बस हट गए या हाथ आगे बढ़ाया और हट गए, आप उसको लगना चाहिए कि आप एक गर्मजोशी से उससे मिल रहे हैं, उससे उसको अहमियत दे रहे हैं। किसी इंसान को जो टच होता है हमारा वो बता देता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम थप्पड़ मारते हैं, पता चल जाता है कि हम थप्पड़ मार रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम किसी को प्यार से गले लगाते हैं तो उसको उस वॉर्म का एहसास होता है। तो जितने भी लोगों से मिले, इखलाक से मिले, प्यार से मिले उनसे, अगर आपको उनकी कोई बात नागवार भी गुजर रही है तो कोशिश कीजिए कि उसको इग्नोर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इग्नोर करें और इस पर कोई रिएक्ट ना करें क्योंकि इससे चीज़ें नेगेटिव ही होती हैं। तो अच्छे इखलाक रखें और लोगों को दुआएँ दें। दुआएँ देने से आप खुद देखिएगा, लोग कहते हैं ना कि जैसे इल्म बांटने से बढ़ता है, इस तरह जब आप दुआएं करते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में भी आपके लिए वो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ वापस आती हैं, दुआएं आपकी तरफ वापस आती हैं। तो लोगों से अच्छे अखलाक से मिलें, अच्छे प्यार से मिलें, अच्छी दुआएं दें और प्रॉमिस करें कि आप लोग मुझसे अगर ये अच्छी बातों का मुझे आप फीडबैक मुझे अच्छा मिलेगा कि आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी तो आप इस वीडियो के नीचे आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट्स कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ये अच्छी अच्छी बातें हम लोग एक साथ लोगों से सबसे कर सकें। और अगर आपको मेरी अच्छी बातें अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि इसको मैं कंटिन्यू करूं तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, आपके मैसेज मुझे बताएंगे कि मुझे अच्छी बातें आगे कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं। लेकिन आई होप मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी बात मानेंगे और आप लोग अपनी ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे और अपनी ज़िंदगी को डिप्रेशन से और अपनी ज़िंदगी को परेशानी से दूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।